हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे फोर के साथ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिकुलरिटी क्या होती है और साथ ही साथ बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। सर जी हिंदी में बताइए तो भैया आणविकता और कोटि क्या होती है। जब आप 12th क्लास में रहे होंगे तो पहला ही चैप्टर आपको पढ़ाया गया होगा रासायनिक बलगतिकी, उसी को यहाँ पे इंग्लिश में हम लोग कह देते हैं केमिकल काइनेटिक्स, यानी सरल भाषा में कहें तो हम लोग बात करने वाले हैं आणविकता और कोटि के बारे में, और इंग्लिश में कह दे भैया तो मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। हमने पहले भी कई एग्जांपल आपको दिए हुए, एक बार फिर से समझा दे रहे। जब भी कभी गांव में छप्पर चढ़ता है तो पूरे गांव को बुलाया जाता है कि भैया सब लोग आओ, आके छप्पर चढ़वाओ आके। उसके बाद जब छप्पर चढ़ जाता है या लिंटर पड़ जाता है तो भैया आलू पूरी बनते हैं। जो लोग गांव से हैं कमेंट करके बताना ऐसा होता है या नहीं होता है। आलू पूरी बनते हैं, सारे लोग बैठ के खाते हैं, बधाई देते हैं कि भैया भैया तुम्हारा लिंटर पड़ गया, तुम्हारा छप्पर पड़ गया, बड़ा बड़ा बधाई, और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उसमें कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी फिट होगी, ध्यान से सुनो। मान लिया 100 लोग आए छप्पर चढ़वाने, तो भैया जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे यानी 100 लोग छप्पर चढ़वाने आए तो वो 100 लोग कहलाएंगे भाई मॉलिक्यूलरिटी। क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूलरिटी, यानी कितने लोग हिस्सा लेने आए। लेकिन क्या 100 के 100 लोग दम लगाएंगे? नहीं भैया, पुराने जमाने में तो छप्पर चढ़वाने का मजा ही यही हुआ करता था कि मतलब 100 लोग आए, उसमें से 70 लोग ऊपर की तरफ धक्का दे रहे कि छप्पर चढ़े और 30 लोग नीचे की तरफ चिल्ला रहे हैं लगा लगा लगा, यानी कुल मिला के खींच नीचे रहे और चिल्ला ऊपर की तरफ रहा। इसका मतलब ही यही है कि भाई 100 लोग आए जरूर हैं लेकिन बेग को निर्धारित कितने लोग कर रहे? सिर्फ 70 लोग, 30 लोग मौज ले रहे हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 100, क्योंकि 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन उसमें सीरियस कितने लोग हैं? वेलोसिटी को डिपेंड, वेलोसिटी को निर्धारित कौन कर रहा है? केवल 70 लोग। तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। उसी तरीके से किसी रिएक्शन में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे कहेंगे मॉलिक्यूलरिटी, और इंटरेस्टेड कितने लोग हैं, बेग को कितने लोग निर्धारित कर रहे हैं वो उसकी कहलाएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक और एग्जांपल दिया जा रहा है, मान लिया एक शादी हो रही है, उस शादी में जो दूल्हा है वो बहुत खुश है, भैया बहुत ताकत लगा रहा कि बारात हो जाए, दुल्हन खुश नहीं है। तो अब रिएक्शन में भाग कितने लोग ले रहे हैं? 2 लोग, एक दूल्हा एक दुल्हन। लेकिन भैया इंटरेस्टेड कितना आदमी है? 1। तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा और मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी। तो बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश है कि किसी भी रिएक्शन में जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसे उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं, और जितने लोग बेग को निर्धारित करते हैं कि कितनी तेज रिएक्शन होगी, कितने धीमे होगी, होगी कि नहीं होगी, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भाई ठीक है, तो यही हमने यहां पर लिख दिया है कि किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले, हिस्सा लेने वाले सब्सटेंस मॉलिक्यूल के नंबर को, सब्सटेंस मतलब जो लोग क्रिया कर रहे हैं, अभिकारक हैं, के नंबर को उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब आणविकता, और आणविकता का मतलब क्या है? कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को इसकी मैकेनिज्म की हेल्प से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी मैकेनिज्म का मतलब रिएक्शन सीधे से देख लो, गिन लेंगे कि कितने लोग हैं और पता चल जाएगा। जैसे यहां पर देखो लिखा हुआ NH4Cl, इस रिएक्शन को बनाते समय कितना अकेला एक NH4Cl पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसमें भैया इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 1 होगी। यानी कितने लोग भाग ले रहे हैं? 1 NH4Cl भाग ले रहा है, 1 मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, इसका मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 1 होगी। इस रिएक्शन को देखोगे HI कितने हैं? 2 हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। लो सर जी एक और रिएक्शन आपको दिखाते हैं, इस रिएक्शन में बताओ कितने आदमी, कितने आदमी हैं? तुम कह दो 2 हैं सरकार। जरा यहां देखो भैया, पहला कौन है? पहला है CH3COCH2H5, एक आदमी है, H2O एक और आदमी है, तो एक और एक कितने आदमी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 आदमी भाग ले रहे हैं। इसका मतलब इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2 है भाई। यहां देख लो NO कितने हैं? 2 हैं। O2 कितना है? 1 है, तो 2 और 1 कितने हो गए? 3 हो गए। 3 का मतलब इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी भाई। ठीक है, इस तरीके से किसी भी रिएक्शन में जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जैसे मान लिया हम लिख दें N2 प्लस का 3H2, बताओ N2 कितना है? 1 है। H2 कितने हैं? 3 है। 3 और 1 कितना हो गया? 4, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 4। तो बहुत ही आसान है, कोई भी रिएक्शन हो केवल ये देख लो कितने लोग भाग ले रहे हैं। रिएक्शन जब शुरू हो रही है, दिस प्लस दिस कितना है, जितना है वही उसकी क्या कहलाएगी? मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी भाई। ठीक है, जो लोग देख रहे हैं चलो कमेंट करके बताना, हम यहां पे लिख दे रहे हैं H2 प्लस Cl2,
से बना 2HCl, भैया बताना इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी है, H2 कितना है, एक Cl2 कितना है, एक एक और एक कितना हो जाएगा, थोड़ा चलो हिंट भी दे दिया है, कमेंट करके बताना इस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी कितनी है भाई, ठीक है। तो जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही उसकी मॉलिकुलरिटी, दो और एक तीन तो मॉलिकुलरिटी तीन, एक और एक दो तो मॉलिकुलरिटी दो, गिन लो कितने लोग हैं वही उसकी मॉलिकुलरिटी कहलाएगी भाई, ठीक है। तीन से अधिक मॉलिक्यूल्स का कोलिजन डिफिकल्ट होता है, यानी जीरो वाली, मतलब जीरो वाली तो नहीं मिलेगी, एक वाली मॉलिक्यूलरिटी मिल जाएगी, दो वाली मिल जाएगी, तीन वाली मिल जाएगी, तीन से ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भैया प्रोडक्ट बनता कैसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा। होता क्या है, मान लिया एक आदमी यह है एक आदमी यह है, दोनों लोग आपस में टकराएंगे और टकरा के क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तब तीन आदमी अगर टकरा रहे तो तीन भी टकरा लेंगे, थोड़ा सा भैया दिक्कत होगी लेकिन तीन टकरा लेंगे। लेकिन अगर चार लोग टकराएंगे तब भैया जो है, अगर चार लोग टकरा रहे हैं तो चारों लोग अगर टकरा, देखो ये और ये आपस में नहीं मिल रहा, तो चार लोगों का टकराना आपस में दिक्कत होती है। इसलिए ज्यादातर जो आणविकता है यानी मॉलिक्यूलरिटी है वो तीन तक ही होती है। ऐसे ही बनता है भैया सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। ये सब चीजें आपने सुनी होंगी, 12th क्लास में नहीं सुनी तो आप सुन लो। तो तीन से ज्यादा मॉलिक्यूल का कोलिजन मतलब टकराने में दिक्कत होती है, इसलिए तीन से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी भैया जो रेट रिएक्शन है वो मिलना बहुत मुश्किल होती है। मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन के ऑर्डर से अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, यानी जैसे अगर मॉलिक्यूलरिटी एक है तो उसका ऑर्डर एक भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है भाई। अब ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की वह संख्या जो रिएक्शन की वेलोसिटी को निर्धारित करती है। यानी केवल पार्टिसिपेट नहीं करना, मेहनत भी करो। 100 लोग पार्टिसिपेट करें तो 100 तो उसकी संख्या है, मॉलिक्यूलरिटी है, लेकिन उसमें से मेहनत कितने लोग कर रहे हैं, बेक को कितना लोग निर्धारित कर रहे हैं। अगर 80 लोग निर्धारित कर रहे हैं तो भैया उसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो यही लिख दिया, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की वह संख्या जो रिएक्शन की वेलोसिटी को निर्धारित करती है, जो उसके वेग को निर्धारित करती है, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भैया, 100 लोग आए हुए हैं, 100 में से कितने लोग हैं जो धक्का लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, ऐसे दूर से तो खड़े होकर देख नहीं सकते हो, तो चेक करना पड़ेगा। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को गिन के नहीं निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। कल जब हम आपको क्लास देंगे तो उस क्लास में दिखाएंगे कि कैसे डिटरमिनेशन करा जाता है, ग्राफिकल मेथड क्या होता है, डिफरेंशियल मेथड क्या होता है, कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करी जाती है, डिटेल में मेरे भाई सब कुछ बताएंगे। और अगर आपको जल्दी है तो पहले ही सब कुछ भैया ये सब पढ़ा रखा है यार, डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक पड़ा हुआ, मात्र 351 रुपए में पूरी केमिस्ट्री बना रखी है, पेपर एनालिसिस है भैया, ठीक है, सारी पीडीएफ है, नोट्स है, सब कुछ अपलोडेड है। एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कर लो, और यहां पर भी सारी चीजें डे टू डे आपके लेके आ रहे हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जो अपना बिल्कुल फ्री है, बीडी कैडेट बीएससी, वहां पर भी मिल जाती, तो मर्जी हो यहीं पे फ्री पढ़ते रहो, क्लासेस पूरे लेके आएंगे बेहतरीन तरीके से। गर्मी बहुत ज्यादा है, लाइट की दिक्कत, इसलिए क्लासेस थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन टेंशन मत लो भैया, क्लासेस शुरू किए हैं तो पूरे करवा के जाएंगे भाई, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, चाहो तो चेक कर सकते हो, और बाकी डेली यहां पर भी क्लासेस लेके आ रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। जीरो का मतलब क्या है कि भैया मान लिया अरेंज मैरिज है, ना दूल्हा खुश है ना दुल्हन खुश है, कहने के लिए कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बारात में, दो आदमी, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, आणविकता कितनी हो गई, दो, क्योंकि दो लोग हिस्सा ले रहे हैं। इंटरेस्टेड कोई नहीं है, वो किसी और से प्यार करती हैं, वो किसी और से प्यार करता है, इंटरेस्टेड कोई नहीं है, बेग को कोई निर्धारित नहीं कर रहा। तो अरेंज मैरिज अगर हो रही है और कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो शून्य कोटि है, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है भैया, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जैसे H2 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश में होती, ना H2 इंटरेस्टेड ना Cl2 इंटरेस्टेड, अगर सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो जब दोनों भैया क्रिया कर रहे हैं और दोनों इंटरेस्टेड नहीं है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। यहां पर एग्जांपल ले लिखा, आप चाहो तो लिख सकते हो, कैसे लिखोगे कि भैया मान लिया लिख दिया H2 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है, सूर्य का प्रकाश लिख दो, या H न्यू लिख देते हैं सूर्य के प्रकाश को, 2HCl, ये कैसी है, शून्य कोटि की, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, क्योंकि इसमें H2 Cl2 दोनों इंटरेस्टेड नहीं है। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक ये रिएक्शन नहीं होगी भाई, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस आपसे पूछ सकता है, तीन नंबर में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, 1, 2, 3 या फिर कोई फ्रैक्शनल नंबर, 1.5 कोटि, 2.5 कोटि की भी हो सकती है भाई, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन तीन नंबर में आता, तो कैसे लिख दोगे भाई, एक तो डेफिनेशन ही लिख देंगे, आपस में टकराकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या, यानी जितने लोग टकराकर रिएक्शन को करवा रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। जितने लोग वेग को निर्धारित करते हैं यानी वेलोसिटी को निर्धारित करते हैं उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसे थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि दो और एक तीन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यह थ्योरेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, यह नहीं होगी, क्योंकि भैया इसके लिए एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि कौन कौन वेग को निर्धारित कर रहा है। तो इसे थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये
भैया जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई ना कोई तो हिस्सा लेगा तभी तो रिएक्शन होगी, तो मॉलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं होती। हाँ, हिस्सा ले रहा इंटरेस्टेड नहीं है तो ये जीरो हो सकती है भाई, ठीक है। ये सदैव एक होल नंबर होगी, एक आदमी, दो आदमी, पांच आदमी, दस आदमी रिएक्शन करेंगे, लेकिन सारे के सारे पूरी तरीके से इंटरेस्टेड हो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये भैया डेढ़ कोटि की, ढाई कोटि की, यानी फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकती है। कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर में चेंज करने पर रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी चेंज नहीं होती, यानी अगर कंडीशनें बदल रही हैं कि टेम्परेचर चेंज हो गया, सांद्रता बदल गई, तो मॉलिकुलरिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया जब चीजें बदलेंगी तो फिर जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेग को निर्धारित कर रहे हैं, उनका मन भी बदलेगा। मन होगा पार्टिसिपेट करेंगे, मन होगा वेग को निर्धारित नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो ये चेंज हो जाती है, ये चेंज नहीं होती है। तो ये उम्मीद करते हैं मेक श्योर आपको समझ में आ गया होगा मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। पेपर में मेरे भाई ये तीन नंबर में आपको क्वेश्चन मिलेगा, या तो मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लेगा, या फिर दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेगा, मॉलिकुलरिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप मन लगा के पढ़ते हो इस बात की गारंटी है 75 में 75 का पेपर करके आओगे। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, डेली क्लासेस आपके लिए लेके आ रहा है, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, इसकी पीडीएफ आपको देंगे टेलीग्राम चैनल BD Cadet BSC, 52,000 से ज्यादा वहां पे फॉलोअर्स हैं, चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, 1,00,000 फॉलोअर्स के बड़ा करीब है, 90,000 पे बड़े दिनों से अटके हुए हैं, तो फटाफट से जाके फॉलो कर लेना, और चाहना तो एप्लीकेशन पे कोर्स में भी आप चेकआउट कर सकते हो, चेक इन कर सकते हो, 351 रुपए वहां पे आपके खर्च होंगे और सारी चीजें, सारी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। हम मिलते हैं आपसे एक और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।